और आप देख रहे होंगे कि ये देखिए कितनी पास, मतलब मैं जूम नहीं कर रहा हूँ, और ये देखिए एक ये बैठा है रेड कलर का, एंड ये देखिए एक ये है, मतलब ये मैं अभी हाथ पे रखने वाला हूँ और मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा कि कैसा लगेगा। तो दोस्तों मैं अभी देखता हूँ, दोस्तों आप देख रहे होगे लाइव में, यार मैं ऐसे इसके साथ, मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि इसने अभी बाइट किए हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर है और थोड़ा सा शरारती भी है। कहाँ जा रहा है भाई ये, मतलब ऐसे ना बहुत अच्छा लग रहा है, ये बाइट कर रहा है। भाई बाइट नहीं करना प्लीज़ यार, मुझे डर लग रहा है, तो समझा कर। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे टिकट बर्ड पार्क में, ये देखिए शायद बर्ड्स को मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे भी इनसे बहुत प्यार है, और ये आ गया उड़ के अपने आप मेरे ऊपर। आई स्वेयर मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, ये अपने आप उड़कर आया है मेरे ऊपर और मैं इसको देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। ये कहाँ से आया है, मैं तो यहाँ खड़ा था अभी पिक्चर क्लिक कराने और ये ऐसे उड़ के आ गया। और ये देख रहे होंगे आप, सुहान भी इनको इसको टच कर रहा है। सुहान कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुहान को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। और ये उड़ के अब किसी और के ऊपर बैठ गया। आप देख रहे होंगे कि ये कहीं पे भी उड़ के बर्ड जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यार ये। मतलब एक ये बैठा है, वो वाला जो था जो मेरे पास था पहले, वो बहुत तेज़ था, उसने मेरे को बाइट किया यहाँ पे, मेरे को पता नहीं शायद ज़ख्म हुआ है कि क्या हुआ, आई डोंट नो, बट बहुत अमेजिंग है। वो देखिए अब उड़ के वो किसी और के ऊपर चला गया, वो देखिए। तो ऐसे यहाँ पे बर्ड्स उड़ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, देख रहे होंगे चारों तरफ यहाँ पे बर्ड ओपन है, ऐसे मकाऊ भी है और बहुत सुंदर व्यू है यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और कहीं से भी उड़ के कहीं पे भी कोई आ रहा है, आप ये देख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे एक लेडी खड़ी है और इनके साथ, ये देखिए ये बहुत तेज़ है, थोड़ा शरारती है, ये बाइट कर रहा है और बहुत बड़ा है भाई, कम से कम ये मुझे लग रहा है 28-30 इंच का तो होगा ये, कम से कम टेल से लेकर ऊपर तक। दोस्तों इसको चढ़ा हुआ है बहुत गुस्सा और ये है गुस्से में बहुत ज़्यादा ही। मैंने इसके पास जब कैमरा किया तो इसने एक बार ऐसे बाइट किया है, ये देख रहे होंगे आप। और एक ये देखिए एक वो बैठा है, और ये देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि जिसके भी पास बैठा है ये कान में उसके कुछ ना कुछ कर रहा है। और ये बर्ड बहुत सुंदर है, ये देखिए हर जगह से, मतलब हर तरफ है, हर जगह से उड़ रहे हैं, कहाँ से उड़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं कुछ नहीं पता। एंड ये देखिए मैं आपको एक बार पास से और दिखा दूँ, तो चलो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। और चलिए दोस्तों अब हम बाहर जा रहे हैं। ये भैया हैं जो यहाँ पे बर्ड्स बिठाते हैं सबके हाथ पे, ये यहाँ का स्टाफ है और बहुत कोऑपरेटिव है, आप जितनी बार भी चाहें उतनी बार बिठा सकते हैं, आप जितनी बार भी बिठाना चाहें बिठा सकते हैं, ये आपको मना नहीं करेंगे। एक बार फ़ोटो क्लिक कराइए, एक बार आप कुछ करिए। और ये देखिए यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे कूलर वगैरह ऐसे लगा रखा है इन्होंने, ताकि जो है इनको एयर मिलती रहे और इनको गर्मी, क्योंकि गर्मी इनको बर्दाश्त नहीं होती है, तो इनके लिए जो है यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। ये देखिए रोप दे रखी है, देखिए यहाँ पे मतलब इनके लिए हर चीज़ बना रखी है यहाँ पे, कि इनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और ये अच्छे से सुंदर से रह सकें प्यार से, ताकि बर्ड्स जो हैं उनको यार एक अपनी फील आनी चाहिए कि हाँ यार वो फ्रीडम है, उनको कहीं कैद में नहीं रखा है या वो कैदी नहीं है। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम ले रहे हैं एग्ज़िट और ये रास्ता है, और ये जो एक यार मतलब नया तरीके का एक एडवेंचर भी था, और जो एक एक्सपीरियंस है ना यार, जो मतलब मैंने फील किया अभी कि यार मतलब आप सोचो कि आपके हाथ पे इतना बड़ा मकाऊ, वो भी कम से कम 30 इंच का यार, 28 से 30 इंच का था वो, और कम से कम 4-5 थे यहाँ पे, मतलब ये नहीं है कि एक दो थे, यहाँ पे 4-5 थे। और ये उनका देखिए बाहर भी उनका ऐसे छोटे छोटे से ऐसे उनके छोटे से हाउस बना रखे हैं ताकि वो इसमें रह सकें। और अब हम यहाँ से चलेंगे आगे, हर जगह ये जंजीरें दी हैं, बहुत अच्छी है, आई थिंक मेरे ख्याल से इन्होंने इसलिए दी है कि बर्ड को किसी तरह से ना यार कोई परेशानी ना हो,
और कोई मतलब ये ना हो कि परेशान हो के यार कि मतलब वो उड़ जाए या कोई अंदर आ जाए कैसे जानवर और आके वो उसको इरिटेट करे या परेशान करे। ये देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ से ये एंट्री वाला, आपके साथ कोई आपकी पार्टनर है उसके 100 100 रुपीज़ के दो लगेंगे और 50 50 रुपीज़ का एक लगेगा, मतलब टोटल आपका 200 से 250 रुपये लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि अब क्या है। मेरे ख्याल अब आगे जो है ग्रीनरी आ रही है बहुत ज़्यादा, और देखते हैं सुहान को, देखिए सुहान क्या कर रहे हैं इस टाइम। सुहान आप क्या कर रहे हैं, आपको अच्छा लगा? सुहान ने मकाऊ को नहीं बिठाया है क्योंकि सुहान थोड़ा डर रहा था और मैं भी डर रहा था, क्योंकि हो ये रहा था कि वो कान पे बैठ के ऐसे बाइट कर रहा था और मुझे उसने दो जगह बाइट की है छोटी छोटी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब बहुत तेज़ बाइट की है, नॉर्मली होती है, बट डर तो लगता है कि यार बच्चों के ऊपर अगर कोई बैठे ऐसे इतना बड़ा, वो भी 30 फुट का, इतना लंबा तो सुहान भी नहीं है मेरे ख्याल से जितना लंबा वहाँ पे ऐसे मैंने मकाऊ देखा। तो चलिए अब हम चलते हैं फ्रेंड्स और आगे देखते हैं कि क्या है। एंड ये देखिए कि यहाँ पे ये इन्होंने छोटा सा मेरे ख्याल से कैंटीन बन रही है, यहाँ पे अभी काम चल रहा है इसका कैंटीन का भी। और ये अब आ गया है बाहर वाला गेट और आगे से लेफ्ट एरिया है मुझे लग रहा है उस एरिया में, ये देखिए लेफ्ट तरफ लोग जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि लेफ्ट में वहाँ पे क्या दिखा रहे हैं क्या है। तो बर्ड पार्क तो बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग लगा, और आप भी मुझे बताइएगा एक बार कि आपको बर्ड पार्क कैसा लगा यहाँ का। थोड़ा सा आइए और देखिए, और ये देखिए ये इन्होंने यहाँ पे दे रखा है थैंक्स फॉर विजिट, ये भी बहुत सुंदर बना रखा है इन्होंने। और ये सामने जो है कैंटीन है, यहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं, ये एग्जॉटिका यहाँ पे शॉप है और एक वुड कैफ़े है, तो सैंडविच वगैरह भी मिल रहे हैं, नूडल्स भी, बर्गर भी, यहाँ पे अगर आपको भूख लगे तो आप भी कुछ खा सकते हैं जाके। तो सुहान को लग रही है भूख, और सुहान अब आप क्या खाएंगे? मैं खाऊंगा चिकन। चिकन? चिकन क्या करेंगे, चिकन तो यहाँ नहीं मिलता, चिकन खाएंगे आप? हाँ चिकन खाऊंगा मैं। तो चिकन तो यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पे मैं खा लूंगा एक कटोरे का पार्ट। हाँ स्नैक्स, यहाँ पे हाँ स्नैक्स खाने। तो पापा तो पैसे लाए नहीं, तो फिर आप पैसे नहीं लाए, तो फिर ओ आप मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? नहीं तो मैं पैसे नहीं लाया ना, आप पैसे मेरे अंकल ने ले लिए, क्या लाइए? ये माइक क्या करेंगे आप, बोलेंगे इसमें? नहीं मैं इसको ऐसे करूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे सुहान को लग गई है भूख और सुहान अब जा रहे हैं खाने बगैर पूछे बगैर पैसे लिए। उसने कहा है कि मुझे भूख लग रही है पापा और मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो अब हम चल रहे हैं, देखते हैं सुहान के वो क्या मिलता है खाने के लिए। तो अब हम ये आ चुके हैं अंदर द वुड्स कैफ़े में, रश बहुत है लेकिन यहाँ पे लेना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, सुहान को भूख लगी है और हम भी थोड़े भूखे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या हम खाएंगे, तो मैं अपना ऑर्डर देने जा रहा हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपको ऑर्डर देने के बाद। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इन्होंने कैंपर लगाया, वाटर कूलर है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे पानी पी रहे हैं लोग, और यहाँ पे हर जगह इन्होंने जो है अपना वाटर कूलर लगा रखे हैं ऐसे ठंडे ठंडे पानी के। और ये अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, आप देखते हैं कि बाहर की तरफ ये एग्जिट एरिया है या कुछ और है, तो हम यहाँ से चल रहे हैं एग्जिट पाथ होगा ये। और यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने ये रेड कलर की सैंड बिछाई हुई है यहाँ पे, और ये काफ़ी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। और यहाँ से देखा जाए तो पीछे तक इन्होंने सैंड ऐसे यहाँ पे बिछाई हुई है। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ से एग्ज़िट और मैं मिलता हूँ आपको बाहर। तो हाँ दोस्तों ये एंट्री पॉइंट है और ये एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ से ही मैं गया था, आपने देखा होगा इस वाले एरिए के अंदर से, यहाँ से मैं अंदर एंटर हुआ था और यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं लोग और अब हम भी बाहर जा रहे हैं। और बहुत आज क्राउड बहुत है, बहुत ज़्यादा रश है संडे करके।
जैसे कि आप देख रहे होंगे, सुहान इस टाइम कैमल राइड पे बैठ चुके हैं और ये काफ़ी एक्साइटेड है, बट ये अकेला नहीं बैठ सकता, तो इसके साथ इनकी मम्मा बैठेंगी। मैं भी नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि मुझे कैमल पे बैठना थोड़ा पसंद नहीं है, कभी कभी मैं बैठ जाता हूँ। और यहाँ पे जो है ये एग्ज़िट एरिया है और यहाँ पे कैमल राइड्स हैं। ये देखिए, एक कैमल ये बैठा है और एक कैमल जो है इधर है। तो अब हम बाहर को चलेंगे और बाहर को चल के देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे सब आइसक्रीम पर टूट पड़े हैं, सब कोई चीख रहा है मुझे आइसक्रीम दो, कोई कह रहा है मुझे आइसक्रीम दो। और यहाँ पे सुहान ने भी आइसक्रीम ले ली है अपनी। भैया कितने पैसे हो गए? एक मैंगो दे दो। और ये नखरीला लड़का बच्चा, तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे होंगे मैं एग्ज़िट पे आ चुका हूँ और यहाँ से हम बाहर को निकल आए हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि ये बर्ड पार्क का यहाँ पे एग्ज़िट पॉइंट है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे टाइमिंग्स दी हुई हैं। यहाँ पर टाइमिंग जो है वो 10 से लेकर 6 बजे तक है, यानी कि 10 बजे आप आ सकते हैं, 6 बजे जा सकते हैं। और मंडे और ट्यूज़डे जो है वो क्लोज़ रहता है। तो सुहान आपको आज कैसा लगा? कितना अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप क्या खा रहे हैं? आइसक्रीम खा रहे हैं। तो आपने आइसक्रीम खाते हुए आपने पापा को नहीं पूछा कि पापा आइसक्रीम खाएंगे? हैं? पापा से। और सब देखिए आइसक्रीम खा रहे हैं। क्या? और सब यहाँ देखिए आइसक्रीम खा ले। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे होंगे सुहान आइसक्रीम खा रहे हैं और सुहान ने आइसक्रीम खा ली है और सुहान खूब इंजॉय भी कर चुके हैं और थक चुके हैं और अब वो जाएगा सोने घर पे और हम लोग भी चलते हैं आइसक्रीम खाने में। उसको बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी आइसक्रीम खाते रहिए, गर्मियों का सीज़न है, गर्मी है, आइसक्रीम खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। तो अब मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। तो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे हम एग्ज़िट पे आ गए हैं और बाहर हम जा रहे हैं अब। और ये बर्ड पार्क जो है ये आपको मैं बता दूं कि कहाँ पड़ेगा। ये अगर आप इधर सुखना लेक पे आएंगे तो सुखना लेक और रॉक गार्डन उसके बीच में एक डिवाइडर है जो कैंप वाला की तरफ रास्ता जा रहा है, ये वहाँ पर पड़ेगा। आप किसी से भी पूछेंगे चंडीगढ़ में बर्ड पार्क तो आपको वो बता देगा। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, क्या आपको इसमें अच्छा लगा। और मेरे चैनल को ऐसे ही आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक और कमेंट चाहिए। तो मैं यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।